हेलो दोस्तों, नया साल आ गया है और नए साल में कुछ नया होने जा रहा है। अमेजॉन प्राइम पर एक नया वेब शो आ रहा है जिसका नाम है तांडव, और इसको बनाया है कैसे शख्स ने जिन्होंने ढेर सारी फिल्में हमारे को दी हैं, बहुत सारी बेहतरीन फिल्में, चाहे गुंडे हो चाहे भारत हो। और मैं कहूंगा, पता नहीं, मैं इनसे बात के बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, पर आज अपने को प्रोड्यूसर हिमांशु के साथ हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं अली अब्बास जफर। अली, स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया शुक्रिया अमित, बहुत बहुत नए साल की आपको भी मुबारकबाद। और थैंक यू सो बहुत मच। फ्रेश लग रहे हैं आप, लगता है या तो आपने रात को बिल्कुल पार्टी नहीं करी है या बहुत पार्टी मैं तो दोनों ही काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो एक्सीडेंट के बाद रिकवर हो रहा हूँ, तो काइंड ऑफ करी आइसोलेटेड राइट नाउ। है। बट यू लुकिंग फ्रेश ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच दैट यू आस्क मी। आप बट अली, मैं आप आपकी फिल्में मैंने बहुत देखी है, बहुत पसंद की है, बट मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि आपने भारत की मिट्टी को, ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मेरा आपकी मुझे फिल्म याद है, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ, आपने हमारे वेस्टर्न यूपी को पहली बार इतनी खूबसूरती से, मेरे डैड की दुल्हन हो चाहे भारत में, खूबसूरती से दिखाया था। क्योंकि जनरली यूपी के नाम पे लोग वो भोजपुरी या ईस्टर्न यूपी दिखाते हैं, बट वेस्टर्न यूपी की जो बातें आपने अपनी फिल्मों में लेके आए, वो मैं पर्सनली आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पहली बार एक फिल्मकार ने उस प्रदेश की मिट्टी को दिखाया। कहाँ से हैं आप? वेस्टर्न यूपी में? जी, मैं हरिद्वार से हूँ, तो मुझे मेरा मुजफ्फरनगर से एक्चुअली बिलोंग क्या करता बात है, क्या बात हूँ। तो तो ये थैंक यू मतलब थैंक यू। जी, तो आई थिंक ये क्वालिटी होती है फिल्मकार की कि किसी जगह का, आपने गुंडे में भी एक्चुअली फेल्ट दैट वी आर इन धनबाद, तो अब ऐसे आप तांडव में भी वो दिल्ली का पूरा, दैट एक फिल्मकार जब वो चीजों की जो वो पूरा परिवेश को जो महसूस करा दे, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ फिल्म मेकर। सो कैसे कर पाते हैं आप, कैसे और खासकर इंडिया की चीजें आप बहुत ही खूबसूरती से बनाते हैं, मतलब इंडियन चीजों को, मतलब सो आर यू रियली देसी एट हार्ट? शुक्रिया शुक्रिया, आप अपने बहुत काइंड वर्ड्स बोले पहले दिन साल के, तो अच्छा लगा। बट देखिए, मैं देहरादून से हूँ ऑनेस्टली। ओ, तो बिल्कुल मेरी आपसे परवरिश कहते हैं मेरी मेरी परवरिश बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। जी। तो कहीं ना कहीं जो कहानियां कहने की कोशिश हमेशा करी जाती है वो करी जाती है जो कि हिंदुस्तानी कहानियां हों, और कहीं ना कहीं वो कहानियां हो जो जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं या जो आपने अपने आसपास होते हुए देखी होती हैं। वो ही एक अटेम्प्ट होता है हमेशा। तो अब जब भी एक फिल्म मेकर एक नई कहानी सोचता है तो यही सोचता है कि उस वक्त के बारे में लिखे या उस दायरे में लिखे जो आसपास घट रहा है। तो यही कोशिश तांडव के साथ है। ये आज की कहानी है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो टाइमलेस है। कहानी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी या विदेशी या दुनिया के किसी भी पार्ट में, जहां भी सत्ता होगी, जहां भी कुर्सी होगी, जहां भी आवाम और लीडर के बीच की दूरी होगी, हर उस काइंड ऑफ धागे को जोड़ के तांडव की स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। और आई थिंक जिस तरह का रिएक्शन टीजर को मिला, कहीं ना कहीं वो इसी वजह से मिला क्योंकि बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। तो अब हमारी कोशिश यही है और हमारी मनोकामना ये है कि कहीं ना कहीं जब ये ऑडियंस तक जाए तो उनको भी पसंद आए। जी हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगा कि अली के तो बहुत काम में देखे, लेकिन आपने किस तरह का स्केल के साथ शो को माउंट किया आज, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द स्केल एंड द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दीज डेज। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं इतने टाइम से, वही कह रहे हैं कि हर एक चीज की शुरुआत होती है टेक्स्ट से। जो पेपर पे लिखा जाता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए मतलब एक यू हैव अ वेल इक्विप्ड टीम, वी यूज ऑल द टूल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल लाइक अली एंड हिज टीम टू डू टू बी एबल टू डू एंड माउंट सच थिंग्स। So, yes, we're all a team of professionals who get together and only, try to give and facilitate all that, the maker wants to do. I जी think इसके लिए मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि एक 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 प्रकार की प्लानिंग बहुत एसेंशियल होती है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप। एंड वंस यू आर प्लान ऑन पेपर एंड वेन यू हैव योर विजन इज क्लियर, आई जस्ट फील दैट एनी काइंड ऑफ स्केल एंड एनी काइंड ऑफ विजुअल कैन बी अटेन्ड इफ यू आर वेल प्रेप्ड। I feel that we get that from the captain of the ship, and as a team, then you sort of just understand कि ये करना है हमको।
तो इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू डू इट बिकॉज वी हैव यू नो अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स डूइंग दिस फॉर अस एंड आई एम हैप्पी दैट अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न बैक्स द विजन यू नो वेयर they you know they push you to do everything and never ask you to compromise you know as makers if, and they put in everything that is required in the show ji that's how it's done ya aap dono ke liye itne sare maharathi actors ko aapne ikhatta kiya hua I mean it's an ensemble cast ki definition I think is show se pata chal rahi hai kitna mushkil tha in sabko ek sath jama karna itne sare creative talents ko It must have been quite a Herculean task. जी था मुश्किल you know अमित ये जो script है इस script के अंदर हर किरदार का एक arc है you know तो जब हर किरदार का एक arc होता है तो casting करना आसान हो जाता है बहुत casting करना मुश्किल तब पड़ता है जब कोई actor script पढ़े और बोले यार मैं इसमें क्या कर रहा हूँ मेरा तो कोई contribution नहीं तो क्योंकि आप 2000 साल पहले की राजनीति 200 साल पहले की राजनीति 10 साल पहले की राजनीति अभी की राजनीति या फ्यूचर की भी राजनीति देखेंगे कभी भी वो एक आदमी से नहीं होती देयर हैज टू बी मल्टीपल कैरेक्टर्स ओके सो वो मल्टीपल कैरेक्टर्स की वजह से मल्टीपल ट्रैक्स हैं और वो मल्टीपल ट्रैक्स के अपने आर्क हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स हैं ड्रामेटिक भी हैं, इंटेंस भी हैं। तो जब हम ये स्क्रिप्ट एक्टर्स के पास लेके गए तो जब एक्टर्स ने अपने अपने पार्ट पढ़े तो एवरीवन थॉट दैट दिस इज देयर शो एंड विच इज व्हाट वी वांटेड टू मेक दैट एवरीवन शुड ओन दिस शो एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड यू नो द वे एवरीवन हैज रिएक्टेड पर्सनली एज एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड ऑल द सपोर्ट दैट वी गॉट फ्रॉम Amazon that some way or the other shows in the final product. पर हिमांशु आपने मैनेजमेंट जो था वो मैंने कहा कि दोनों में से मतलब वो मैनेज कैसे हुआ हिमांशु सोए नहीं है सोए नहीं है वो कुछ 7-8 महीने से यही जानना चाहता मैनेजर्स के नंबर अभी इन्होंने 1-2 से लेके 20 तक सेव किए हुए हैं और इन्हें पता है कौन आदमी किस लिए फोन कर रहा है कितनी मेहनत जाती है हिमांशु जो प्रोड्यूसर जो होता है पीछे जो क्रिएटर होता है तो बात सिंपल मुझे लगता है बात सिंपल ये है जितने ज्यादा लोग हैं आर्टिस्ट हैं टेक्नीशियंस हैं उतने ज्यादा रिक्वायरमेंट उतने ज्यादा लॉजिस्टिक्स होते हैं ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि दिक्कतें नहीं आई दिक्कतें आती हैं लाइक एनी अदर बिग शो और एनी अदर थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू विद मल्टीपल स्टार कास्ट बट दैट्स द होल थिंग वी वर फॉर्चुनेटली देयर ऑन ग्राउंड बोथ यू नो एज प्रोड्यूसर्स द बेस्ट पार्ट इज यू नो योर टैलेंट एंड टेक्नीशियंस आर ऑन सेम पेज व्हेन यू नो द क्रिएटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रोड्यूसिंग यूनिट एंड दे अंडरस्टैंड द सेम थिंग तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी वर ऑल वेरी क्लियर इन यू नो That ये सारी चीजें हमको अटेन करनी है अचीव करनी है एंड सारे आर्टिस्टों ने ये देखा कि दीज गाइज आर वेरी वेरी वेल प्रेप्ड एंड लाइक आई सेड अगेन बिकॉज ऑफ एनेबलर्स लाइक Amazon एंड बिकॉज ऑफ अ प्लेटफॉर्म यू नो देवर नाइस दैट दे लेट एवरीबडी डू देयर ओन जॉब यू नो एंड दे ट्रस्ट दे आर शो रनर्स एंड प्रोड्यूसर्स आई फील दैट ये जॉब आसान हो जाती है बट like any other you know event slash any big thing apni apni dikkatein killatein hain but you have to keep taking it as a you know each day as it comes and keep you know going we did it yes ups and downs the but we managed it somehow really nicely I hope it translates on screen well but ali ye bataye ki rajneeti jo subject hai kyunki hum to news channel mein kaam karte hain राजनीति सुबह शाम आई थिंक इज द बिगेस्ट ड्रामा यू कैन सी तो कितना हकीकत कितना फसाना आपने मिक्स किया है कहते हैं ना ट्रुथ इज एक्चुअली मेरी तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही न्यूज़ चैनल्स थे आई वाज थिंकिंग दैट तो मैंने तो मेरे जो अम्मा और अब्बा हैं वो देहरादून में रहते हैं तो मैं जब भी देहरादून आता हूँ वो कुछ देखते ही नहीं है सिवाय न्यूज चैनल के आई होप हमारा चैनल देखते हो जरूर देखते हैं और मैं जब भी उनसे पूछता हूँ आप सुबह से लेके शाम तक वही न्यूज देखते रहते हो बोर नहीं होते
वो बोलते हैं नहीं बोर होते हैं तो चैनल बदल लेते हैं, उस पर वही न्यूज कुछ दूसरे तरीके से दिखाई जा रही होती है तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो मैंने तो मेरे हिसाब और मैं ये वो भी कला है, ये कला है और कला के साथ साथ जो हिंदुस्तान का हार्टलैंड है वो तो मतलब न्यूज उनके लिए इज लाइक जिसको कहते हैं जैसे खाना, इट्स लाइक फूड फॉर देम यू नो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे अब वो व्हाट्सएप पे जो न्यूज आती है वो न्यूज हो कि कोरोना की वैक्सीन करेले में मिल गई है, यू नो एनीथिंग इन दिस कंट्री दैट इज सब्जेक्टेड एज अ न्यूज इज टुडे अ प्राइम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। सो आई समहाउ थॉट दैट, और न्यूज के अंदर सबसे हॉट टॉपिक तो राजनीति होता है, किसी की भी सरकार हो कोई भी स्टेट हो कहीं ना कहीं वहां पे एक राजा होता है एक प्रजा होती है, एक हीरो होता है एक विलेन होता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर अगर इस दायरे के अंदर, इस राजनीति के दायरे के अंदर, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा इससे क्लोजेस्ट इंस्पिरेशन जो तांडव का है वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर का टेक्स्ट है, चाहे आप ऑर्थेलो उठा के देख लीजिए, मैकबेथ उठा के देख लीजिए, रोमियो एंड जूलियट उठा के देख लीजिए, हर टेक्स्ट में ना एक तरह की पॉलिटिक्स है, ठीक है, चाहे वो रेशियल पॉलिटिक्स हो चाहे वो यू नो स्टेटस पॉलिटिक्स हो चाहे वो सामाजिक पॉलिटिक्स हो, वो एक बहुत ही शेक्सपियर बहुत ही खूबसूरती के साथ एंटरटेनमेंट के साथ पॉलिटिक्स को आपके पास प्रेजेंट करता है, और तांडव कहीं ना कहीं वो ही है। इसका किसी भी आप कहते हो किसी ना कि भी दायरे में ना रह के सारे दायरों के बारे में इस चीज के अंदर आपको चीजें मिलेंगी, और आप अगर इसको इस टेम्पलेट को उठा के यूके के अंदर रख देंगे तब भी ये फिट होगा, यूएस के अंदर रख देंगे तब भी फिट होगा, भारत के अंदर रख देंगे भारत के अंदर भी फिट होगा, क्योंकि जो नफ्स है वो पॉलिटिक्स की नफ्स है और पॉलिटिक्स की नफ्स एक ही है कि किस तरह से सिंपल चीज को घुमाया जाए। जी सही कहा आपने। तो राजकुमार जी राजा जी या महाभारत की कहानी भी कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिक्स से ही शुरू होती है। जी मैं दुनिया में कोई कहानी ऐसी है ही नहीं, मैं अगर अपनी ही कोई कहानी के बारे में पूछूं चाहे गुंडे हो चाहे सुल्तान हो चाहे भारत हो चाहे टाइगर जिंदा हो, सबके अंदर पॉलिटिक्स है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एंटरटेनमेंट है तो आपको लगता है अरे ये एंटरटेनिंग कहानी है, लेकिन जैसे ही आप उठाते हैं कि यार दीवार से ज्यादा पॉलिटिकल कोई फिल्म ही नहीं है, शोले से ज्यादा पॉलिटिकल कोई फिल्म ही नहीं है जी। आप अगर दीवार को उठाएं और बोले कि यार एक वक्त का मारा हुआ इंसान अगर सिस्टम के आगे खड़ा होता है, जिसका बाप एक यूनियन लीडर था एक बंद होती हुई फैक्ट्री का, ये तो बहुत ही पॉलिटिकल सेटअप है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से सलीम जावेद ने उसे लिखा, जिस तरह से उसका प्रेजेंटेशन हुआ, जो बात उसने कही कि भाई सही सही होता है और गलत गलत होता है, चाहे आप कितने भी जस्टिफिकेशन दे दें लेकिन गलत हमेशा गलत ही रहेगा, और वो दो भाइयों की कहानी दीवार है। तो समवेयर ऑर द अदर एनीथिंग दैट हैपेंस अराउंड अस इज पॉलिटिकल, वेदर इवन लाइक हाउ एंड बीइंग एन एपॉलिटिकल इज आल्सो बीइंग अ पॉलिटिकल स्टैंड, यू कैन नॉट सिट ऑन द फेंस, यू नो अगर आप नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एपॉलिटिकल हूं तो वो भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है। तो अमित कोशिश ये है कि कहानी मजेदार कही जाए, कहानी वो करी कही जाए जहां आप ये बोलें कि यार इन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ कहीं ना कहीं चार बातें वो कही जो कि हमने अपने आसपास होती देखी है जी। तो कोशिश ये है, लेकिन शो का प्राइम मोटिव है एंटरटेनमेंट, और जैसे आप खुद बोले कि भाई न्यूज से एंटरटेनिंग कुछ आजकल है नहीं, तो हमने कोशिश करी है, अब बाकी देखेंगे क्या होता है जी। पर अभी कुछ दिनों पहले राजकुमार हिरानी साहब से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि मैं फिल्में केवल बड़े पर्दे के लिए बुलाता हूँ, तो ये जो पूरा ओटीटी बूम आया लिया, क्या आपको लगता है ये थ्रेट है कि कॉम्प्रोमाइज है या एक अपॉर्चुनिटी है फिल्म मेकर्स के लिए? जनरली जानना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज अभी उन्होंने ऐसी बात उठाई कि फिल्में केवल बड़े पर्दे के लिए बननी चाहिए। आई थिंक देखिए अमित, हर फिल्म मेकर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। मैं जिस तरह से सिनेमा को देखता हूँ, देखिए जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ जी, इंडियन एयरफोर्स में जाना मेरा सबसे बड़ा सपना था, अनफॉर्चुनेटली नहीं पूरा हो पाया। जिस जगह से मैं आता हूँ, जब मैं बम्बई आया तो मेरा प्राइम एम ये था कि
जो कहानी मेरे पास है मैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से दर्शकों तक पहुंचाऊं। जो अमेज़न के थ्रू मुझे तांडव बनाने का मौका मिला और जिस तरह से हमने तांडव बनाया है, आई थिंक इट वॉज बेस्ट पॉसिबल सूटेड फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि 9 घंटे की कहानी है, 9 एपिसोड है, मतलब हर एपिसोड 40 मिनट के आसपास का है, तो ये मैं कभी भी बड़े पर्दे पर नहीं ला पाता। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनको कहानी कहने का शौक है, OTT इज वेरी एम्पावरिंग फॉर देम। अब आपके पास चॉइस है कि जब आपके पास 2.5 घंटे की कहानी है तो आप वो 2.5 घंटे की कहानी सिनेमा में दिखाइए, जब आपके पास 9 घंटे की कहानी है तो आप उसको OTT पे बनाइए। अगर आप तांडव भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जी हमने तांडव के अंदर स्केल, द वे इट्स माउंटेड, द वे इट्स क्राफ्टेड, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बड़े पर्दे की कहानी नहीं है। मुझे लगता है पर्दा बड़ा और छोटा कहानी से होता है, वो शॉर्ट टेकिंग से नहीं होता। तो जितनी बड़ी मेरे लिए सुल्तान और टाइगर और भारत और गुंडे और ब्रदर की दुल्हन है, उतना ही बड़ा मेरे लिए तांडव है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो मतलब हम अपने काम में साकार हुए, नहीं पसंद आएगा तो ये कहीं भी बनता, कोई कोई फिर उसके बाद क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं बचती। नहीं, मुझे इसमें ये ऐड करना है कि एज अ मेकर पर्सपेक्टिव ये है कि आपका जो पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस माध्यम से इतनी एम्पावरमेंट मिली है कि आज आपका वॉचमैन भी एक कंटेंट देख रहा है, आज आपका मेड आपके घर पे जो काम करते हैं वो भी एक कंटेंट देख रहे हैं, आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, मुझे लग रहा है कंटेंट बनाना, जब आप घर बैठे थे आज 8 महीने 9 महीने तब भी कंटेंट, सो एज अ मेकर इट इज अ वेरी, इट्स नॉट अ थ्रेट, आई जस्ट फील इट्स अ एक और माध्यम मिला है फॉर मेकर्स टू कम एंड स्पीक and entertain and say whatever want to, and there is an audience for everybody, so I just feel it not only in creation but also in business it raises the economy and raises the bar of everything, so I just feel that it's not a threat, it's only ye ki vardaan hi hai, matlab mujhe lagta hai. Yeah. I definitely feel that way. So let's welcome the change. I think 2021, I think it's all about accepting the new changes. I think a new change hai hamari industry ke liye, and we have to make the best of it. And I'm sure with filmmakers, the IQ collaborating together, Makers IQ, I'm sure viewers will get entertainment. Because ultimately, film mein to 3 baje se chalti hai, entertainment. Thanks for your baat. Ji, aaj unka birthday bhi hai. To chaliye, unka maine quote use kar liya. Thank you so much, Ali. Thank you, Amit. Thank you. Get well soon. Yeah. Thank you so much. जल्दी मुलाकात होगी. तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो. All the best. Thank you. Thank you very much. Thank you so much.